अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सी एस के लाइन्स। जो मेंबर्स, जो भाई, जो दोस्त जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। चैनल को स्टार्ट किए हुए तकरीबन 2-2.5 माह हो गए हैं और पहले जितनी भी वीडियोस डाली हैं वो सारी साइलेंट मोड पे डाली हैं, बिल्कुल खामोश थी या म्यूज़िक था। फिर कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया, सजेस्ट किया कि मुझे बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए वीडियोस में। बेसिकली इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि रोड पे क्या कहते हैं, आपको कल्चर पाकिस्तान का दिखाया जाए, लोगों का रहन सहन, ट्रांसपोर्टेशन वो क्या यूज़ करते हैं, साइड व्यूज आ जाते हैं उसमें, डिफरेंट जगहों पे हम जाते हैं, सोसाइटीज़ में जाते हैं, हाईवेज पे जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, कुछ अपने कामों के लिए जाते हैं, कुछ इस चैनल के तवस्त से अब जाना पड़ता है कि डिफरेंट रोड्स आएँ, डिफरेंट मतलब व्यूज़ आएँ, लोग इंटरटेन हों। तो विदाउट स्टोरी लाइन कह लें कि आप ये चैनल स्टार्ट किया था, जो कि काफ़ी मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोगों ने कहा कि ये नहीं चलेगा, इसमें आप बोलोगे नहीं चलेगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, विदाउट बोलने के साइलेंट वीडियोज़ जो हैं, खामोश वीडियोज़, उसमें भी आप सब ने सपोर्ट किया, 300+ सब्सक्राइबर हुए, वॉच टाइम काफ़ी अच्छा है। तो फिर ये डिसाइड किया सबकी बाहमी मुशावरत से कि बोला जाए। खैर, अब जो है उसमें काफ़ी सजेशन थी कि हम लोग, हमारी टीम मेंबर्स जहाँ भी वीडियो बनाते हैं उस एरिया का एटलीस्ट बताया जाए कि उस एरिया में क्या 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 चीज़ें अवेलेबल हैं, रिहाइश के लिए रिहायशी क्या कहते हैं उसे, रहने के लिए वो एरिया कैसा है, वहाँ पे रेट्स क्या हैं मतलब प्रॉपर्टीज़ के, वहाँ पे बेसिक नीड्स जो हैं जिसमें स्टोर हैं, सैलून हैं, दूध दही की दुकानें हैं, मतलब वो आया कि उस एरिया के नज़दीक हैं या नहीं है। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं इसमें, आई होप कि आप कहते हैं हमारी हमें सपोर्ट करेंगे। राइट नाउ मैं जी डिफेंस रोड पर जा रहा हूँ, जो कि मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर DHA रहबर फेज़ 11 आ रहा है, राइट साइड पर मुहाफिज टाउन है, वलिंशा टाउन है, और उसके ऑपोजिट जो है ख्याबान अमीन है, टिप सोसाइटी है। रिहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, तकरीबन कोई भी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ है वो यहाँ पे आपको मिलती है इन सोसाइटीज़ में। रेट्स जो हैं तकरीबन 5 मरला का प्लॉट 70 लाख से लेकर 70-80 लाख से गालिबन लेके करोड़ के आगे पीछे है। इसी तरह 10 मरले का जो प्लॉट है वो भी तकरीबन 90-95 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक भी है बल्कि, और किनाल का इसी तरह 1.5 करोड़ से लेकर 2-2.5 करोड़, डिपेंड करता है लोकेशन क्या वो है। तो इसी रोड पे आपको मैकडोनल्ड भी मिल जाएगा और यासिर ब्रोस भी है, और भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, और तकरीबन आप कह लें कि ज़िंदगी की ज़रूरतें, ज़िंदगी की सारी चीज़ें जो हैं मैसर हैं इस एरिया में। वैसे भी इस एरिया को न्यू लाहौर गिना जाता है, रिहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। तो वीलॉग्स, आप थोड़ी सी चैनल के रिलेटेड बात कर लेते हैं। वीलॉग्स लोग डेली बनाते हैं, रोस्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट जो जो जिसको मतलब फ़न आता है वो करते हैं। हमारा तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस बारे में, जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिल रही है। ठीक है, आप लोग चैनल पर वीडियोज़ भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, जिसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। तो अपनी सजेशन दें, अपनी राय दें कि हमें मज़ीद क्या करना चाहिए, मतलब इसमें जिद्दत किस तरह लाई जाए जो कि आप लोगों को अच्छी लगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के क्या कहते हैं हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्रिटिक्स हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, वो भी आप हमें बताएँ, और इंशाल्लाह हम उस पर क्या कहते हैं पूरी तरह काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।